हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश अपने यूट्यूब चैनल कर जी जैसा अड्डा पर आप सभी का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जो विभिन्न एग्जामों में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उसका आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया आपको रोम, जापान, इंग्लैंड, नॉर्वे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रोम। इटली की राजधानी रोम को सात पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले कई एग्जाम पूछा भी है कि सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है, तो रोम को सात पहाड़ियों का शहर कहा जाता है जो कि इटली की राजधानी है। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में है जापान। तो फ्रेंड्स, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। और जापान को ही फ्रेंड्स मतलब उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। क्या, सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, जापान में। तो फ्रेंड्स, इसलिए जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ऑप्शन सी में है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को कहा जाता है डूबते हुए सूर्य का देश, सबसे पहले उगता है जापान में और सबसे अंत में डूबता है कहाँ पे, इंग्लैंड में, क्योंकि जापान सबसे पूर्व में है तो सूर्य पूर्व में उगता है। इसलिए मतलब जापान को कहा जाता है उगते हुए सूर्य का देश, इंग्लैंड को कहा जाता है डूबते हुए सूर्य का देश। मध्य रात्रि का देश कहा जाता है किसे, नॉर्वे को। नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। आप ये तीनों बातों को याद रखिएगा, उगते हुए सूर्य का देश जापान, डूबते हुए सूर्य का देश इंग्लैंड, मध्य रात्रि का देश नॉर्वे। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि कैपिटल ऑफ केन्या, केन्या की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन आपको दिया है मनीला, नैरोबी, लीमा, बेरूत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नैरोबी। केन्या की राजधानी कहाँ है, नैरोबी, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी में है लीमा, ये पेरू की राजधानी है। बेरूत ये लेबनान की राजधानी है। मनीला ये फिलीपींस की राजधानी है। चारों को राजधानी भी आप देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है, सर्वाधिक द्वीप वाला देश कौन सा। फ्रेंड्स, आपको बताना है। ऑप्शन में आपको मॉरिशस, इंडोनेशिया, भारत, जापान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप है। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिए। टोटल 7508 द्वीपों वाला देश इंडोनेशिया को कहा जाता है और सर्वाधिक मुस्लिम आबादी भी इंडोनेशिया में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन दिया आपको गंगा, गोमती, यमुना, गोदावरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि यमुना नदी के किनारे भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित है। फ्रेंड्स, और यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो ये उत्तराखंड के जो उत्तरकाशी जिला है उसके गढ़वाल से ये यमुनत्री हिमानी से निकलती है और ये प्रयागराज में आकर, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्वेश्चन पूछता भी है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना। और एक क्वेश्चन पूछता है कि मतलब भारत की सबसे बड़ी वह कौन सी नदी है जो समुद्र में नहीं गिरती है, तो ये यमुना ही है। भारत की सबसे बड़ी नदी जो कि समुद्र में नहीं गिरती है, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आके गंगा नदी में मिल जाती है, इसलिए समुद्र में नहीं गिरती है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। आपको बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इसका स्थापना में किसका मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था। ऑप्शन आपको डॉक्टर AO ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि AO ह्यूम, एलेन ऑक्टिवियस ह्यूम, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। फ्रेंड्स, इन्होंने ही 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किया था बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। 72 अनुयायियों ने भाग लिए थे उस समय, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। फ्रेंड्स, तो WC बनर्जी, यानी कि विमेश चंद्र बनर्जी ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया था भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का, आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसी से और क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, तो एनी बेसेंट था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन था, तो सरोजनी नायडू था। अभी दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था जॉर्ज यूल। अभी चारों बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। फ्रेंड्स, ऑप्शन आपको महात्मा गांधी, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आप इसे ध्यान में रखिएगा। महात्मा गांधी तो आपको पता ही है, करो या मरो का नारा दिया था।
और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया थे कौन? सुभाष चंद्र बोस। और पंडित जवाहरलाल नेहरू किसने का क्या कहा था? आराम हराम है। आप इसे भी ध्यान रखिए, सारे नारे को आप भी एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपको पटना में, बोधगया में, मुजफ्फरपुर में, नालंदा में। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर में बीपी मतलब इसमें भी पूछे गए बिहार अमीन एग्जाम में कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये बोधगया में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये बोधगया में स्थित है मगध विश्वविद्यालय, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकार माने जाते हैं? तीर्थंकर जो है अंतिम से एक पूर्व, अंतिम नहीं फ्रेंड्स, अंतिम से एक पहले कौन से तीर्थंकर थे जैन धर्म के? ऑप्शन में आपको दिया है पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, भद्रबाहु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पार्श्वनाथ ये 23वें तीर्थंकर थे जो कि अंतिम से एक पूर्व थे। 24वें जो लास्ट थे कौन? महावीर स्वामी, ये 24वें तीर्थंकर थे। इससे पहले थे पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और जैन धर्म का स्थापना क्या था, किसने किया था? ऋषभदेव, और ये प्रथम अनुयायी थे मतलब प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अंतिम थे कौन? 24वां महावीर स्वामी, 23वां कौन थे? पार्श्वनाथ। ये तीन ही पूछते हैं, तीनों को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था यानी बसाया था? ऑप्शन आपको बौद्ध परंपरा, जैन परंपरा, तिब्बती परंपरा, कलहन की राजतरंगनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कलहन की राजतरंगनी से पता चलता है कि अशोक जो सम्राट अशोक थे तो ये श्रीनगर की स्थापना किया था यानी श्रीनगर को बनाया था कौन? अशोक। किसके अनुसार? तो कलहन की राजतरंगनी के अनुसार। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कभी पूछता है कि राजतरंगनी के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स राजतरंगनी के लेखक कलहन है। वहाँ मतलब राजतरंगनी जो बुक है, किताब है, इसमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा मिलती है। उसी में मतलब बताया गया है कि अशोक ने ही श्रीनगर शहर को बनाया था जो कि वितस्ता नदी यानी कि झेलम नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? ऑप्शन है आपको मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिक्किम में लेप्चा जनजाति निवास करती है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है कि लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो सिक्किम में लेप्चा जनजाति निवास करती है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का टॉप 10 क्वेश्चन बस यहीं तक था, ये सारे क्वेश्चन आप समझ लिए होंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर जीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।